जय हिंद। मैं फील्ड मार्शल करियाप्पा परेड ग्राउंड में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्मी डे 2017 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी अहदेदार अफसर साहबान, सरदार साहिबान, नॉन कमीशनड अधिकारी, बहादुर जवानों, हमारे वेटरन्स, वीर नारी, सिविलियन एम्प्लॉयज तथा आपके परिवार को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन आर्मी की तमाम सफलताएं और उपलब्धियों का श्रेय आप सभी को जाता है और हमें इस पर गर्व है। आज हम हमारे उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हमारी महिमा एवं गौरव असल में उनके कारण है। हम उनको आज सलाम करते हैं। उनका अतुलनीय साहस आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना और हमारा देश उनका और उनके परिवार का सदैव आभारी रहेगा। आज की शानदार परेड में आपका जो मैंने निरीक्षण किया, मैंने देखा कि आप में उत्साह और गर्मजोशी है। यह सैन्य कुशलता और निपुणता एवं कड़ी मेहनत का बेजोड़ प्रतीक है। मैं परेड कमांडर और परेड में सभी शामिल जवानों को मुबारकबाद देता हूं। शाबाश और वेल डन। अवार्ड विनर्स और साइटेशन से सम्मानित यूनिट्स को भी उनकी उपलब्धियों के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपने कठिन परिस्थितियों में शानदार काम किया है। यह अवार्ड आपके साहसिक प्रयासों का प्रमाण है। कीप इट अप। आज हमें बीते हुए साल पर गौर करने, मौजूदा सुरक्षा हालत की जायजा लेने और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए सोच विचार करने की जरूरत है। बीते वर्ष में भारतीय सेना लगातार सीमाओं पर और देश के भीतरी ऑपरेशनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात 2016 के अंतिम महीनों में काफी नाजुक हो गए थे, परंतु जमीन पर तैनात सभी सुरक्षा बल की साहसपूर्ण कार्रवाई की वजह से हम हालात को सुधारने में सफल रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर को लगातार समर्थन दिए जाने के बावजूद हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति बनाए रखना चाहते हैं, परंतु किसी भी सीज फायर वायलेशन या उत्तेजित करने वाली घटनाओं का मुंहचोड़ जवाब देने से कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैं ये दोहराता हूं कि एलसी पर या बॉर्डर पर हम किसी भी एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। घुसपैठ रोकने की कार्रवाई में शामिल सभी सैनिकों द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है। उन इलाकों में तैनात सभी सैनिकों की प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट सराहनीय है। हमें आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। नॉर्दर्न फ्रंट पर भारत चीन के साथ अमन और शांति चाहता है। दोनों पक्षों की ओर से कारगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जा रहे हैं ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ट्रांसग्रेशन होने के बावजूद दोनों सेनाओं के आपसी सहयोग में महत्वपूर्ण सुधार आया है। हमारा प्रयास चीन के साथ ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करना है जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली हर स्थिति का हल निकाला जा सके। मुझे यकीन है
कि हमारे प्रतिद्वंदी ताकत को पहचानते हैं, हमारी पॉलिसी हमेशा तैयार रहकर किसी समय किसी भी जगह पर कार्रवाई करने की है। हमारी सीमा पर शांति बहाली की प्रक्रिया को कमजोर की नजरिया से नहीं देखा जाए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, परंतु शांति को भंग करने वालों को हम अपनी शक्ति प्रदर्शन की चेतावनी भी देना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे नपे तुले अंदाज और पीपल फ्रेंडली ऑपरेशन से निरंतर सरकार के प्रयासों में मदद की है। कुछ ग्रुप्स शांति प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। वो क्षेत्र में बेचैनी बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। विरोधी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन चलते रहेंगे। सुरक्षा बलों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हो रही है। मैं भारतीय सेना के सभी सैनिकों को शाबाशी देता हूं, जो जान माल की हानि बिना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेफ्ट विंग एक्टिविज्म का कई राज्यों में सुरक्षा स्थितियों पर असर पड़ रहा है। सेना राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से एलडब्ल्यूई इलाकों में ठोस सुधार आया है। हमारे ऑपरेशनल कमिटमेंट्स के बावजूद माननीय आपदाओं और विपदाओं के दौरान आपकी कार्रवाई काबिले तारीफ रही है। 2016 में ही सेना को 50 बार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में लगाया गया, जिसमें हमारे 148 कॉलम डिप्लॉय किए गए। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने देशवासियों के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए सरकार का एक प्रभावशाली हिस्सा बनकर काम किया। यह सब उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारियां, कठोर प्रशिक्षण और कभी न हार न मानने वाले जज्बे के कारण ही संभव हो सका है। यही भारतीय सेना के जवान होने का प्रमाणिक है। हाल ही में हमारे कुछ साथी सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष पेश कर रहे हैं। इसका असर उन वीर और बहादुर जवानों पर पड़ता है, जो देश की सेवा में भारतीय सेना के गर्वित इतिहास के तहत सीमाओं पर तैनात हैं। उनको हमें प्रेरित करके उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। अगर किसी भी जवान को किसी किस्म की तकलीफ है, तो आपके पास इसे हल करने के लिए संतुलन रखने में साधन प्राप्त हैं। यदि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। आपने जो कार्रवाई की है, आप इसके लिए अपराधजनक भी पाए जा सकते हैं और सजा के हकदार भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में यूनाइटेड नेशंस मिशन में आपका योगदान विशेष उल्लेख का पात्र है। आज हमारे 6,800 से भी अधिक भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशंस में 8 मिशंस में दुनिया के कई कठिन इलाकों में तैनात हैं। सेना की कुछ परंपराओं को निभाते हुए हमारे 153 सैनिकों ने इन मिशन में प्राणों की आहुति भी दी है। हमारे अफसर और जवान की कार्यनिष्ठा को यूनाइटेड नेशंस ने भी सहारा है। डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में भारतीय सेना सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने में कामयाब रही है। हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कई देशों के अफसरों और जवानों को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें पड़ोसी देश भी शामिल हैं। इन विभिन्न चुनौतियों और कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अपनी काबिलियत, हथियार और इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। अत्यावश्यक उपकरण खरीदने की दिशा में हमने काफी तरक्की की है, ताकि सेना को आधुनिक बनाया जा सके। इन्फेंट्री जो लगातार सीमाओं पर तैनात है, उनके जवानों को सक्षम बनाने के आधुनिक हथियार और तकनीकी उपकरण
को हासिल करने पर पहल शुरू की गई है। इसी तरह मैकेनाइज्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन को एक नई दिशा प्रदान करने पर कार्रवाई तेजी से हो रही है। कुछ अन्य अहम और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जिनमें आर्टिलरी की तोपे, आर्मी एयर डिफेंस के हथियार और कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, आर्मी एविएशन के हथियार और इन सब का प्रोक्योरमेंट अंतिम चरण में है। आर्मी डेटा नेटवर्क बढ़ी हुई बैंडविड्थ के साथ आवश्यक वॉइस वीडियो और डेटा दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध करा रहा है। हमने हाल में आर्मी डिजाइन ब्यूरो स्थापित किया है जो कि आर्मी और हमारे देश में जो अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे डीआरडीओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, अकादमिक संस्थाएं, डीपीएसयूज और प्राइवेट उद्योगों के साथ सेना की तरफ से मिलाप रखेंगे। यह उन्हें हमारी जरूरतों के गहराई के साथ समझने में सहयोग करेंगे जिससे कि फोकस्ड और उच्च स्तर की रिसर्च से उत्पादन में विकास हो। हम चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक द्वारा हम अपनी सेना को सक्षम बनाने में सफल रहें। हमारे देश के नौजवान काबिल हैं और हमारे देश की इंडस्ट्री तेजी से प्रगति कर रही है। अंततः हम चाहते हैं कि अपनी ही इंडस्ट्री के साथ सहयोग बनाकर आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें। साइबर और स्पेस आधुनिक युद्ध के दो तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं। इंडियन आर्मी इस नए माहौल में युद्ध करने और इस दिशा में अपनी काबिलियत बढ़ाकर जीत हासिल करने की आवश्यकता से पूरी तरह से अवगत है। हमारे पास साइबर अटैक से बचाव करने की क्षमता है, फिर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय विरोधी तत्व की कार्यप्रणाली से सतर्क रहना है और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके प्रति जागरूक रखना होगा। कुछ मानव संस्थान विकास और वेलफेयर इश्यूज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जवानों की शिक्षा के स्तर को और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और इग्नू आर्मी एजुकेशन प्रोजेक्ट के सहयोग से 12वीं कक्षा के डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्सेज करने की सहूलियत प्रदान की गई है। अफसरों के लिए अन्य सरकारी संस्थानों में डेपुटेशन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कार्डर मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके और नॉन इंपैंडमेंट ऑफिसर्स के लिए अन्य कैरियर प्रोस्पेक्ट का लाभ हो। नॉन इंपैंडमेंट ऑफिसर्स को यूनाइटेड नेशन असाइनमेंट्स के लिए 34 वैकेंसियां दी गई हैं। इससे अच्छे ऑफिसर को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के बीमा कवर को बिना मंथली सब्सक्रिप्शन बढ़ाए हुए अफसरों के लिए 60 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तथा जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए 30 लाख रुपए से 37.5 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारे अफसर और जवानों को अच्छी अकोमोडेशन प्रदान करने के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की की है। हमारे भूतपूर्व वीर सैनिक यानी वेटरन्स और वीर नारी के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और ईसीएचएस को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, इसलिए हमने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में वेटरन्स डेंटल विंग और वेटरन्स कार्डियोथोरासिक एवं कार्डियोवैस्कुलर क्लिनिक खोले हैं। वेटरन्स हॉस्पिटल को स्थापित करने पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इनसे बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे और खर्चे में कमी आएगी। हमारी वायु और नौसेना सक्षम है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल रखते हुए आने वाली चुनौतियों का सफलता से सामना करें और यही सफलता सुनिश्चित करने का मूल मंत्र होगा। आज की सुरक्षा परिस्थितियों और आने वाली चुनौतियों तथा खतरों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को
एकजुट होकर रहना जरूरी है। भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड व अन्य पुलिस दस्तों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सेनानी को आश्वासन देना चाहता हूं कि थल सेना की सहायता व सहयोग उन्हें सदैव मिलता रहेगा। मेरा ये मानना है कि साथ रहकर हम राष्ट्र की ताकत के एक महत्वपूर्ण और मजबूत अंग बने रहेंगे। अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि देश ने अपनी नजर में हमें एक विशेष दर्जा दिया है। हमारे देशवासी हमें राष्ट्रीय मूल्यों को निभाने वाले एक संस्थान के तौर पर जानते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप राष्ट्र द्वारा हम पर किए गए विश्वास को निभाते रहेंगे तथा एक बढ़ते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखेंगे। मैं सभी सैनिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी आर्म्स और सर्विसेज समान रूप से एक दूसरे के सहयोगी हैं। आप में से हर एक का योगदान एफिशिएंसी से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ावा देता है। एक सैनिक के तौर पर हम बॉर्डर्स पर और दूर दराज के इलाकों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से परास्त करते रहेंगे। राष्ट्र की सेवा में बहाए गए हमारे शहीदों के खून की एक एक बूंद तिरंगे को ऊंचा रखने में हमारे संकल्प को और मजबूत प्रदान करती रहेगी। इस महान राष्ट्र के योग्य सैनिक मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए एक सैनिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी दस्ते यानी आर्म्स या सर्विसेज का हिस्सा ही क्यों ना हो। आप सभी की कार्रवाई से हमारी सेना को शक्ति मिलती है। हम हमारे अपने आपके देश की सेवा के लिए समर्पित करेंगे तथा इस उद्देश्य के साथ जिएंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा और हर समय। जय हिंद और धन्यवाद।